हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरदासपुर कोर्ट की तरफ से चपरासी के पदों पे 8वीं पास वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो 25 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। योग्यता यहाँ पर केवल 8वीं पास रखी गई है। यदि आप केवल 8वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम और कोई फीस नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सलेक्शन किया जाएगा। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें, जहाँ से आप डायरेक्टली जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, गुरदासपुर पंजाब की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि प्रोसेस सर्वर पियॉन के लिए वैकेंसी और स्वीपर यानी सफाई वाला के लिए वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पियॉन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिडिल पास यानी 8वीं पास रखी गई है और यहां पर एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक रखी गई है। यानी 18 वर्ष की उम्र से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है, क्योंकि एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑफलाइन दिया गया है। तो कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरदासपुर कोर्ट यानी पंजाब की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि महिलाएं और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। नेमो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पियोन यानी चपरासी, स्वीपर यानी सफाई वाला और प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज निकाली गई है। और इसके आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट 25 फरवरी 2021 रखी गई है। यानी 25 फरवरी तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो इंटरव्यू की डेट यहां पर 4 मार्च से लेकर 15 मार्च तक रखी गई है। एप्लीकेशन मोड यहां पर ऑफलाइन दिया गया है। तो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना रहेगा। एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो 18 वर्ष की उम्र से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ एज रिजर्वेशन भी यहां पर दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जिसमें कि ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट रखी गई है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पियोन यानी चपरासी के लिए केवल 8वीं पास योग्यता रखी गई है। यदि आप केवल 8वीं पास है तो आप पियोन के लिए और स्वीपर यानी सफाई वाला के लिए वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। और प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पर 10वीं पास योग्यता रखी गई है। यदि आप प्रोसेस सर्वर के लिए वैकेंसी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर 10वीं पास आपका होना अनिवार्य रखा गया है। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। आपको ऑफलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना रहेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी 4,900 से लेकर 10,680 रुपये तक आपको मंथली दी जाएगी। साथ ही साथ आपको मंथली ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 1,800 रुपये रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा, उसके बिहाव पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, गुरदासपुर पंजाब की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि प्रोसेस सर्वर पियोन यानी चपरासी, स्वीपर यानी सफाई वाला की वैकेंसी निकाली गई है। प्रोसेस सर्वर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास यानी 10th पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है प्रोसेस सर्वर के लिए, और पंजाबी की नॉलेज होना आपको अनिवार्य रखा गया है। और सैलरी की बात करें तो 4,900 से लेकर 10,680 रुपये आपको मंथली दिए जाएंगे। साथ ही साथ ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 1,800 रुपये रखा गया है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड करा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पियोन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है, जो कि सैलरी की बात करें तो 4,900 से लेकर 10,600 रुपये आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 1,650 रुपये रखा गया है। और मिडिल पास यानी 8वीं पास यहाँ पर पियोन की वैकेंसी के लिए रखी गई है। यदि आप 8वीं पास है तो आप पियोन के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ पंजाबी के बारे में आपको नॉलेज होना अनिवार्य रखा गया है। वैसे स्वीपर यानी सफाई वाला की बात करें तो 4,900 से लेकर 10,680 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 1,650 रुपये रखा गया है। मिडिल पास यानी 8वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है सफाई वाला के लिए, और पंजाबी की नॉलेज होना यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। और सभी वैकेंसी के लिए यहाँ पर आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक रखी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म दिया हुआ है। इस ऑफलाइन फॉर्म की प्रिंटआउट निकलवा के और यहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि पियोन के लिए, तो यहाँ पर आप पियोन लिखेगा और यहाँ पर आपका नाम जो कि बड़े बड़े अक्षरों में आएगा, यहाँ पर आपके पापा का नाम, यदि आप किसी की वाइफ है तो आपके हस्बैंड का नाम,
परमानेंट एड्रेस आएगा इधर, और यहाँ पर एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग यानी जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि 8 ही 5 है तो आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी होगी। नेशनलिटी यानी इंडियन, एक्सपीरियंस यदि आपने कहीं काम किया है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं है। और कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट से, तो आपको लिखना होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको देनी होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जेरोक्स, आपकी आधार कार्ड की जेरोक्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट से तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आएगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर स्पेशल एप्टीट्यूड यदि है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और आपका टेलीफोन नंबर भरना अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर आपके साइन आएंगे और यहाँ पर डेट आएगी आपको लिखनी होगी। और 25 फरवरी से पहले पहले आपको इसको ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरदासपुर के एड्रेस पे आपको इंडियन पोस्टल के थ्रू भेजना रहेगा। और यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी दी हुई है कि 25 फरवरी से पहले पहले ही आपको फॉर्म को भेजना रहेगा, तो ऑफलाइन मोड में फॉर्म रखा गया है। और इंटरव्यू की डेट आपको यहाँ पर दी गई है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी देना आपको यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। और यहाँ पर डेट दी गई है कि किस हिसाब से यहाँ पर इंटरव्यू किए जाएंगे, तो जिनका नाम के आगे ए और के आता है तो उनका यहाँ पर इंटरव्यू 4 मार्च 2021 को होगा। जिनके नाम के आगे एल और जेड आता है तो उनका इंटरव्यू यहाँ पर 5 मार्च 2021 को करा जाएगा। वैसे ही पियोन के लिए भी यहाँ पर रखा गया है कि ए से लेकर जी तक जिनका नाम आता है, नाम के आगे जैसे ए या जी आता है, तो उनका इंटरव्यू 8 मार्च 2021 को करा जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। और स्वीपर के लिए यहाँ पर ए से जेड तक, मतलब स्वीपर की जो इंटरव्यू होगा उनका यहाँ पर 15 मार्च को किया जाएगा सभी के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं जहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और ऑफलाइन फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।